सर आज प्रेस वार्ता हुई है, किस संबंध में की गई है प्रेस वार्ता? बड़ी कोर्ट से शहजाना वली का सालाना प्रोग्राम होता है उसका, उस संबंध में की गई है जी, जिसके कार्यक्रम जो है इस तरह से है, कल 16 अक्टूबर को रोजाना 22 तारीख तक बाद नमाज में फज्र रही थी, यानी कि सुबह को जो है पुराने पाक की तिलावत होगी और उसके बाद शाम को जो है लाल मस्जिद से अदर बेग के मकान से एक परचम का जुलूस आएगा। इस परचम की क़यादत दरगाह आला हज़रत सज्जादा नशीन आली जनाब फैज़ल रज़ा ख़ान साहब ने ताज़ी फरमाई है और उनके दस्तर मुबारक से परचम प्रशासन का अस्तित्व की जाएगी। रात में नातिया मशारे का प्रोग्राम होगा और अगले दिन यानी कि 17 तारीख को गागर का जुलूस जो आता था वो इस बार किसी कारण से नहीं आ पा रहा है। रात में जो है नाचनेकाम की तकलीम का प्रोग्राम होगा और 1:40 पर मुफ्ती आजमीन का तशरीफ होगा। अगले दिन से यानी कि 18, 19, 20, 21 तारीख तक रात में महफिल समा का प्रोग्राम चलेगा। 18 तारीख को साबिर पाक दरगाह के सज्जादा नशीन आली जनाब अलीशा मियाँ साहब एक बहुत बड़े आएगा। 20 तारीख को शाम को 5 बजे सरकार शहजाना वली रहमतुल्लाह अलैह का तशरीफ होगा और रात में जारी रहेगा। अगले दिन यानी कि 21 तारीख को शाम के 5 बजे नगर परिसर में तशरीफ होगा और रात में महफिल समा का प्रोग्राम जारी रहेगा। अगले दिन यानी कि 22 तारीख को सैयद साहब का तशरीफ सुबह 10:10 पर होगा, उसके बाद इस बीच दरगाह कमेटी ने फैसला लिया है कि हम इस बार उन गरीब लोगों का मोती बंद का ऑपरेशन कराएंगे जिनको चश्मा फ्री, दवा फ्री और उनका जो ब्लड वगैरह जो चेक किया जाएगा वो भी फ्री किया गया। इसके लिए इनका रजिस्ट्रेशन दरगाह के कमेटी के सदर जनाब यूसुफ इब्राहिम साहब, वसी अहमद भारतीय मीडिया प्रभारी सलीम बाजार वगैरह को इसका घर सौंपा गया है, तो वो लोग जो है इनके रजिस्ट्रेशन। इसी के साथ साथ GST का एक कोर्स है जिसके लिए यहाँ पर जो है उन बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए GST का कोर्स भी कराया जाएगा जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है उनको 500 रुपये दे सकते हैं, बाकी कोई पैसा नहीं। दरगाह पर जो कोर्स चलता है उसमें लगातार दोनों टाइम लंगर का भी यहाँ पर इंतजाम किया जाता है और इन लोगों को खाने और रहने की व्यवस्था फ्री है। ठीक, एक मिनट। हेलो भाभी भाई, कैसे हाल चाल है आपके? बस बताते रहिए, हंसी मत करो। Thank you.